हे गाइस, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप सभी लोग भी पेटीएम ऐप यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों अब जो है पेटीएम एप्लीकेशन जो है वर्क नहीं कर रहा आपके फ़ोन में और ये जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों अपने पेटीएम एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पेटीएम एप्लीकेशन को। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको खोज लेना है पेटीएम एप्लीकेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पेटीएम एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलता है, तो ये जो क्लियर डाटा लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करके डाटा क्लियर कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे डाटा यूसेज का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, मोबाइल डाटा, वाईफाई और बैकग्राउंड डाटा का। तो इन तीनों ऑप्शन को आपको एक बार ऑफ करना है, उसके बाद फिर से ऑन कर देना है। ओके दोस्तों, तो अब जो है अब आपका जो पेटीएम है वो 100% ओपन होगा और वर्क करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये 100% वर्क करेगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।